बताइए क्या समस्या आ रही थी आपको? डॉक्टर मिले थे? अब हम तो बेटा चलो ही ना, यहाँ तो जो कर रहे जो कर पता ना, पर्ची काट के डॉक्टर तक आए, दो को तो आएगा, तीन को तो यहाँ तो ले आए, कोई सुनते ही नहीं। नहीं तो आपने डॉक्टर को दिखाया था कि नहीं दिखाया था? हाँ कल पर्ची करवाई है ना। अच्छा आज 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 मिले कि नहीं? हाँ। आज मुलाकात नहीं हुई। हाँ। तो हमारे जो भी पेशेंट आते हैं मरीज, तो उस दिन वो किसी को दिखा नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एक एक ही डॉक्टर है, एक एक अपना उसमें स्पेशल टीम है, तो इस लिहाज से हमने एक और चीज़ किया है कि जरा टाइमिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ देर सवेर से भी आ जा रहे हैं, तो उसको सख्ती अपनाते हुए वे हमने जो बायोमेट्रिक मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है वो बीच में अभी कुछ दिन प्रॉब्लम ख़राब हो गई थी, तो दोबारा से उसको सही करवाया है। उसके अलावा उसको हम अन्यत्र दूसरे स्थान पर लगवा रहे हैं, सेफ जगह पर, जिससे कि वो वर्किंग रहे। अच्छा अभी कुछ डॉक्टरों कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं थे तो उनकी वेतन कटौती भी हुई है, उससे भी कुछ नाराज़गी का मामला है? नाराज़गी का क्या, अब जो भी अपना ड्यूटी समय से नहीं करेगा, अपना समय से आएगा नहीं, तो उसको तो उनका एब्सेंट करते हुए उनको हमने वेतन काटा है, जिससे कि उसमें सुधार हो, समय से आए और मरीजों को तो फ़ायदा मिले, जनरेट में अपना समय से बैठे, समय से जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरों के वेतन कटौती से नाराज़गी का मामला है ये क्या है? अब नाराज़गी कुछ तो डॉक्टर्स अपना नाराज हो सकते हैं, वो कह रहे थे, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम वहाँ कैंप में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, तो मैंने ठीक है कैंप में गए थे तो उसका हम जांच करवा लेंगे, उसका जो